इसके पिछले वाले वीडियो में हमने व्हाट इज अ प्रोमोटर का डेफिनेशन देखा था। यहाँ पे रोल ऑफ प्रोमोटर्स क्या है वो हम देखेंगे। जो रोल ऑफ प्रोमोटर्स है उनका काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेशन या अस्तित्व में लेकर आते हैं। तुम्हारा स्टीव जॉब्स लो एप्पल के लिए, सोनी का एक्यू मोरिटा लो, होंडा का सोशिरो होंडा लो, फोर्ड का हेनरी फोर्ड लो, ठीक है ना, फिएट का जियोवन्नी अग्नेलीज लो, और रिलायंस का धीरूभाई अंबानी लो, ठीक है ना, बहुत ऐसे, टाटा का JRD टाटा लो। इन्होंने प्रमोट किया और आज सब कंपनी करोड़ों रुपए में डील करते हैं। तो प्रमोटर्स का रोल क्या है? सबसे पहले तो उनको आइडिया आता है बिजनेस शुरू करने का, ठीक है। जो आइडिया आता है जियो किसी के मन में आया होगा, है ना, मुकेश अंबानी के। सो उसी प्रकार से प्रमोटर्स वो लोग हैं जिनके मन में आइडिया आता है बिजनेस सेटअप करने का, स्टार्ट करने का, या कोई अपॉर्चुनिटीज दिखता है जो कि आजकल काफी स्टार्टअप्स में हो रहा है, जैसे कि जोमेटो का डिलीवरी का ना, उसमें भी कितने सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। तुम्हारे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स तो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, खास करके टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स काफी दिख रहे हैं। सो प्रोमोटर्स वो है जिनको आइडिया आ रहा है टू स्टार्ट द बिजनेस। वो लोग डिसाइड करते हैं उद्देश्य क्या है बिजनेस का। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ कोर्स प्रॉफिट रहता है, लेकिन जियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय प्रोवाइडिंग 3G, 4G, 5G सर्विसेज एंड सो ऑन, सो एज टू इनेबल द कस्टमर्स टू रीप द बेनिफिट ऑफ मोबाइल इंटरनेट, एंड द कंपनी कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सर्विस इट गिव्स। सो उनका वो लोग ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, कितना पैसा लगेगा वो डिसाइड करते हैं, स्केल ऑफ बिजनेस। अब स्केल ऑफ बिजनेस क्या है? अब कैसे ना, जैसे जियो ने 6 लाख गांव है इंडिया में करीबन, तो सब के सब गांव में टारगेट करेंगे। जैसे आइडिया, कुछ जगह पे तुम जाओगे तो तुमको हो सकता है आइडिया नहीं मिलेगा, सिर्फ जियो रहेगा। ऐसा भी होता है कभी कभी आइडिया का कनेक्शन कुछ एरिया में चला जाता है, उधर नहीं मिलता आइडिया। सो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, कितने बड़े साइज पे तुम काम करना चाहते हो, फिर अल्टीमेटली कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो करवाना है, अल्टीमेटली कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने के लिए तुमको दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ये अगले चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका मैं दूंगा। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। अभी कंपनी ऑफ कोर्स ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स वकील बनाएंगे, सॉलिसिटर जो लोग हैं वो लोग बनाएंगे, लेकिन ये काम प्रमोटर ही उनको देगा, ठीक है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनवाने का। फिर प्रमोटर का जवाबदारी है, इनकॉर्पोरेशन तो हो गया बट पैसा कहाँ से आएगा? सो कलेक्टिंग कैपिटल का जवाबदारी है। फिर डायरेक्टर्स कौन बनेंगे? या तो प्रमोटर्स खुद बनेंगे क्योंकि मेमोरेंडम साइन किया है, या तो अलग से वो लोग लिस्ट देंगे कि भाई हम डायरेक्टर नहीं है तो ये डायरेक्टर है। अच्छा, तुम जब मेमोरेंडम सबमिट करते हो तो तुमको डायरेक्टर का भी लिस्ट देना चाहिए, नहीं दिया तो रजिस्ट्रार क्या एज्यूम करेगा? जिन लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया है, ऑफ कोर्स प्रमोटर्स, वो खुद ही फर्स्ट डायरेक्टर्स है, ठीक है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, खास करके लास्ट के दो। द प्रोमोटर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसका जरा हम समझते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, जहां पे एक पार्टी बोलता है कि हाँ तू ये सर्विसेज मुझे दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, ठीक है। अब प्रमोटर किसके नाम पे कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पर कर रहे हैं, ठीक है। अभी कंपनी का आज तारीख है, सपोजिटली 7 पकड़ लो, 10 तारीख को कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, गणेश चतुर्थी शुभ दिन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। नाउ आज 7 तारीख को ऐसे सोचो, तुम लोग प्रमोटर्स हो, तुम लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कंपनी को लीगल एडवाइस करने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तय होता है 10,000 रुपए में, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कंपनी का अस्तित्व तभी था नहीं। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, या इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन होगा, तो तुमको मेरे साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले हुआ, उस समय कंपनी का लीगली रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, अस्तित्व नहीं था, साइनिंग अथॉरिटी नहीं था। तो ये प्रिलिमरी कॉन्ट्रैक्ट को तुम वापिस से वैसे टाइप का डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तुम अब तुम बोलोगे फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है क्यों, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्यों, क्योंकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले तुमको मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ऑफिस की जगह, तुमको प्रोस्पेक्टस छापने के लिए जो प्रिंटिंग का जो दुकान है, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तुमको करने पड़ते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमरी कॉन्ट्रैक्ट है। अभी कंपनी जब रजिस्टर होगी तो और शेयर होल्डर बढ़ सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले तो प्रमोटर ही शेयर होल्डर है, उसको ही सब करना पड़ेगा। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर एंटर करता है विद एनीबडी बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं प्रिलिमरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें प्रमोटर पर्सनली लायबल है, लेकिन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद वापस से उसी लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा, तब प्रमोटर लायबल नहीं होगा, कंपनी लायबल होगी, ठीक है ना, यदि कोई गड़बड़ी ना किया हो। क्यों? क्योंकि देखो फिड्यूशियरी ड्यूटी नेक्स्ट है, कि ऐसा पता चला कि एक जमीन है 1 लाख की जो प्रमोटर की है, उसने इन्वेस्टर से पैसा लिया 50 लाख का, और खुद की जमीन जो 1 लाख की वो 10 लाख में बेचा, इसका मतलब वो कंपनी के साथ धोखा कर रहा है। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी एक प्रकार का भरोसे का ड्यूटी है, क्योंकि वो कंपनी को अस्तित्व में ला रहा है। तो एक प्रकार जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो कायदे से कंपनी और प्रमोटर अलग माने जाएंगे, अभी अलग नहीं है, कंपनी है ही नहीं अभी तो सिर्फ प्रमोटर है। सो कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी तो प्रमोटर और कंपनी अलग माने जाएंगे, लेकिन लॉ मना नहीं करता प्रमोटर को फायदा दिया जाए। 1 लाख का तुम 10 लाख में बेचो, 20 लाख बेचो, लेकिन तुमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुम छुपा के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो प्रमोटर फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब जो भी कामकाज या कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर किसी के साथ एंटर कर रहा है, वो कंपनी के लिए भले के लिए होना चाहिए, ऐसा ना कि वो खुद का फायदा कर रहा हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होंगे, और यदि पता चला जो भी फायदे उसने किए खुद के लिए कंपनी के नाम पे, तो वो उसको भरपाई करना पड़ेगा। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब एक प्रकार का भरोसे वाला ड्यूटी है, जो कंपनी के प्रपोज कंपनी है, जो कंपनी फॉर्म होने वाली है, उसके साथ किया जाए। कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट वो कर नहीं सकता, प्रॉफिट करना मना नहीं है, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया वो गलत बात है, और उसको भरना पड़ेगा यदि प्रूव हो गया कि प्रॉफिट किया है। तो ये सारे रोल थे उनको उनको सी वो पर्सनल जमीन बेच रहा है, क्या वो बेच सकता है? द आंसर इज यस, यहाँ पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, या वो कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदार को दे रहा है, यहाँ पे भी पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है कि जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बोला कि भाई तू सप्लाई कर मटेरियल, दूसरे रिश्तेदार को बोला सवेरे एम्प्लॉय को लेके जाने के लिए बस चाहिए, तू बस का कॉन्ट्रैक्ट है भाड़े पे देने का, कैंटीन में तुम्हारे तीसरे रिलेटिव का है। ये लॉ मना नहीं करता, बट तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जिन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये तुम्हारे रिश्तेदार है और ये प्राइस है, और तुमको इसका पर्सनल फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लागू हो जाएगा, तब तक तो प्रमोटर का ताकत रहता है, तो यहाँ पे रोल ऑफ प्रमोटर्स हमारा खत्म होता है।